अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड होप यू ऑल आर वेल। सो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी नान खटाई की रेसिपी। बहुत ज़्यादा इजी होती है, सारी चीज़ें हमारी किचन में मौजूद होती हैं, हमको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदनी होती है। तो बहुत ज़्यादा खासता हमारी नान खटाई बनती है और इस विंटर सीजन में नान खटाई बहुत ज़्यादा यमी लगती है। तो इसी बेस पे आज आपके साथ शेयर करूंगी और आप बिल्कुल मत डरिए कि अगर पास अवन नहीं है तो विदाउट अवन भी मैं आपके साथ बताऊंगी इसे कैसे कुक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो फर्स्टली आपको यहाँ पे बिग साइज का एक बाउल लेना है, उसके अंदर 250 ग्राम आप यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। तो मेल्टेड घी है मेरी और यहाँ पे इसके बाद शुगर, जो हमारी आइसिंग शुगर होती है, तो नॉर्मली इसे हम घर पे आप वाइट शुगर को पीस लें। और इस यहाँ पे शुगर भी मेरी 250 ग्राम है एंड जो हमने घी ले रखा है वो भी 250 ग्राम है। तो दोनों को हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, जो हमारा शुगर है वो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और इसे हमें मिक्स करना है करीबन 5-7 मिनट तक। अच्छे से मिक्स करें, इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए हमें। तो अगर आपके पास नॉर्मली बीटर है तो आप नॉर्मल बीटर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, वरना आप हैंड बीटर से भी इसे मिक्स कर ले तो इजीली मिक्स हो जाती है आराम से। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए जो क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रीमी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं हमारी जो शुगर और जो हमने घी ऐड की थी। तो यहाँ पे आप को इसी तरह से मिक्स करना है और जैसे कि मैंने बताया 5-7 मिनट तक कंटिन्यू आपको मिक्स करना है जब ये टेक्सचर आएगा। और इससे बनाते हुए प्लीज पेशेंस के साथ इसे बनाएगा। सो गाइज, इसके बाद हम यहाँ पे 1 पिंच इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एंड 1/2 टेबल स्पून इसमें आप बेकिंग पाउडर ऐड कर लें और 1/2 टेबल स्पून आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लें। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ले रखा है मैदा और मैदे को हम थोड़ा थोड़ा के ऐड करेंगे कि सारी चीज़ें हमारे टेक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप सारे मैदे को एक साथ ऐड कर रहे हैं तो लम्स बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप बाउल इतना बड़ा लें कि आपके सारे मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे अपने सारे मैदे को और सारे टेक्सचर्स को, जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किया है तो अच्छे से मिक्सचर हो जाने चाहिए। एक चीज और बताते चलूं मैं, अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप चाहे तो 1 टेबल स्पून इसमें गुलाब जल ऐड कर सकते हैं या अदरवाइज केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अच्छे से अब हैंड से हम मिक्स कर लेंगे और जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं हल्का सा हमें इस तरह से गूंदना है, हल्के हाथ से आपको गूंदना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो हम इसे 2-3 मिनट इसी तरह गूंदेंगे और इसे फिर आपको 1/2 आवर्स के लिए आपको इसे रेस्ट रखना है। तो मैं इसे कवर कर दूंगी और रेस्ट दे दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको कुक करना बता रही हूँ एयर फ्रायर में, आपको कैसे कुक करना है। तो यहाँ पे एयर फ्रायर का मैंने पैन ले रखा है और इसके अंदर मैं फॉइल पेपर बिछाऊंगी। अगर आप चाहे तो इसके अंदर आप बटर पेपर भी बिछा सकते हैं इस तरह से और थोड़ा सा आप ऑयल ग्रीस कर ले इसके ऊपर। गाइस, सेकंड साइड में आपको बताती हूँ इसे हम गैस पे कैसे कुक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बिग साइज का पतीला ले रखा है और इसे हमें प्री हीट करना है 15 मिनट लो फ्लेम पे प्री हीट करना है। तो यहाँ पे वन साइड हमारी पतीला जो है वो भी गर्म हो रहा है, प्री हीट हो रहा है। सो गाइस, हमारे यहाँ पे 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने जो मिक्सचर बनाया था वो रेडी हो चुका है। अब हमें इसे शेप आउट करना है। तो शेप आउट करने के लिए आप कोई मेजरमेंट स्पून ले लें कि आपकी सारी ही बिस्किट्स इक्वल शेप में बने। और इस तरह से मैंने ये ले लिया है और इसे अब शेप आउट करना है। अगर आप चाहें तो स्मॉल साइज की बिस्किट बनाए तो वो भी बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं बिग साइज, थोड़ा इसे साइज बड़ा करना, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसमें से मिक्सचर ले लें और इस तरह से आपको इसे शेप देनी है नॉर्मली जिस तरह से हम पेड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है और इसी तरह से बना बना के हम अपनी जिसमें हमें कुक करना है हम उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आप इसे प्लेट में जिसमें आपको कुक करना है उसमें स्टोर कर दें, और या मैं यहाँ पे पैन में बता रही हूँ एयर फ्राई के पैन में, तो इसमें मैंने स्टोर कर दिया। तो सारे इसी तरह मैं शेप आउट कर दूंगी। अगर आपके पास शेप आउट करने कोई स्पून नहीं है तो नॉर्मल स्पून जो हमारे घर पे होती है इस तरह से हम ले लेंगे और इसी तरह से हम उसकी शेप बनाते जाएंगे। तो कोई भी यहाँ डिफ़िकल्टीज नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी वे में बता रही हूँ। तो अगर आप न्यू हैं तो साथ ही चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस डालूँ सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। इसी तरह हम बना बना के अपने सारे पैन में शिफ्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं तो सारे रेडी कर लेते हैं हम इसी तरह से। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टूथपिक्स ले रखी है नॉर्मल सी,
और यहाँ पे इस तरह से मैं थोड़ा सा इसे प्रेस करके इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप का ही बनाऊंगी। ऑप्शनल है, अगर आप चाह रहे हैं तो ये बना सकते हैं। जब हमारे कुकीज़ या नान खटाई जब ये कुक होती है ना, तो इस टेक्सचर्स करने के बाद बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने एक एग योक ले रखा है, इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इस एग योक को हम इसके अपर लेयर पर, बिस्किट के अपर लेयर पर लगाएंगे। तो और साथ ही मैंने यहाँ पे वाइट वाले तिल ले रखे हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी सारे बिस्किट्स पे। और इस तरह से मैं इसके ऊपर फिर हमारा जो ये एग योक है इसे थोड़ा सा हम स्प्रेड करेंगे। हमें नॉर्मली से टच करना है एग योक, तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ ओनली ब्रश से बस टच करना है। किस जब ये कुक होता है बहुत ज़्यादा प्यारा कलर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही मैंने अच्छे से वॉश कर दिए एग योक। अब हम लेके चलते हैं इसे कुक करने के, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये। तो अब हम इसे एयर फ्राई के अंदर इसे डालते हैं। और यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ कि क्या टाइमिंग आपको सेट करना है। तो यहाँ पे 160 पे आप 10 मिनट इसे आराम से कुक करें, और जब ये कुक हो जाए तो आप इसे 15 मिनट इसे बिल्कुल ही छोड़ दें, बिल्कुल ठंडा होने के लिए। जब बिल्कुल कम्प्लीटली ये कूल डाउन हो जाए जब भी आप इसे यूज़ करें। देन अनदर साइड मुझे पतीले में कुक करना है, तो यहाँ पे एक मैं प्लेट लिया है, उस पर मैं ऑयल क्रीज कर रही हूँ, घी क्रीज कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर क्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रीज कर लेंगे और अपने सारे बिस्किट इसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ बता रही हूँ मैं, यहाँ पे जो लोग वेजिटेरियन हैं जो एग नहीं खाते या एग उनको पसंद नहीं अपने बिस्किट पे लगाना, तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल सी बाउल ले रखी है, उसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे वाटर, नॉर्मल वाटर ऐड किया है। देन 5 to 18 आप इसमें सैफ्रॉन की कलियाँ ऐड कर ले, और इसके बाद 1 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1/2 टेबल स्पून आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लें या क्योरा एसेंस ऐड कर लें, ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है। और इसे आप 30 मिनट से लिए इसे रख दें, और आफ्टर 30 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा कलर आएगा, येल्लो सा कलर आएगा। तो इसे हम स्प्रेड करेंगे अपने बिस्किट पे। जो वेजिटेरियन हैं जिन्हें एग योक नहीं पसंद, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा पतीला भी बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पतीला रखा है, आप चाहे तो स्टैंड रख सकते हैं। और इसके बाद जो हमने यहाँ पे ऑयल क्रीज करके अपनी प्लेट रखी थी, इसके ऊपर अगेन शेप आउट करेंगे, जिस तरह से मैंने एयर फ्राई वाले में किया था डिज़ाइन, सेम उसी तरह से हम इसे इस पर भी करेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने जो बनाया है कि वाटर कलर वाला वाटर, तो इसे हम ऐड करेंगे सैफ्रॉन वाटर। तो इसे हल्का हल्का स्प्रेड करेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा प्यारा कलर आता है। और फ्लेवर जो सैफ्रॉन में स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी स्मेल भी आती है। जब हम बिस्किट खाते हैं तो स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो अगर आप चाहें तो एग योक लगा लें, अदरवाइज़ आप ये लगा सकते हैं। और इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे, ढक्कन आप उल्टा साइड लगाएं कि एयर पास आउट ना हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे फैब्रिक से इसे कवर कर दूंगी, आप चाहे तो ऊपर से कोई भारी चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे एयर फ्राई वाली हम देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुका है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, तो माशाल्लाह कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमने एग योक लगाया था, जो ये ब्राउनी शेड है, तो ये इससे ये हमारा ब्राउन शेड आता है एग योक से। तो यही होता है जो हम एग योक लगाते हैं, तो इससे ये फ्लेवरफुल होता है। तो इसके बाद मैं आपको पतीला वाला भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे कलर आ चुके हैं, बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। बट ये अभी बहुत ज़्यादा हॉट है, तो हमें इसे बिल्कुल कूल डाउन होना है रूम टेम्परेचर पर। तो आप इसके अंदर आप 30 मिनट बिल्कुल ही छोड़ दें, और यहाँ पे बिल्कुल हमारे कूल डाउन हो चुके हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो ये है एयर फ्राई वाले नान खटाई, और ये है नॉर्मल पतीले वाले नान खटाई। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, और ये वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है। तो दोनों ही चीज़ आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने, बहुत ज़्यादा यमी से बन के तैयार हुए। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स में। और अगर आपको पसंद आया है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें कि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले मोटिवेशन आपको मिलेगी इसकी। और बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं, इसके लिए कमेंट कीजिए मुझे। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।